मेरे साथ इसमें आशीष केलकर साहब मौजूद हैं। आशीष जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सर सबसे पहले तो एक रेंज बाउंड मूवमेंट है मार्केट्स पे, क्या ये प्रॉफिट बुकिंग करने का सही समय है या फिर आप मानते कोई डिप आए तो खरीद लेना चाहिए निफ्टी को, कौन से लेवल का वेट करें सर इस समय मार्केट्स पे, ये बताएं आप। रजत जी, अगर निफ्टी का चार्ट हम अच्छी तरह से देखते थे पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से इस एक रैली आई है, तो यहाँ पे निफ्टी थोड़ा वक्त बिताने की कोशिश करेगा। एक लेवल है जो मैं वॉच करूंगा वो है 8480। अगर हम इस लेवल के 8480 एक ऐसा लेवल है जो जहां पे निफ्टी आने के आगे टेस्ट करने की संभावना है, तो मैं मानता हूं कि हमें बुलिश ही रहना चाहिए। बेरिश व्यू अभी मेरा नहीं है निफ्टी के ऊपर, निफ्टी पे लॉन्ग रहूंगा, स्टॉप लॉस रहेगा 8470। राइट, ठीक है, आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है, लेकिन 8480 आप मानते हैं ये लेवल टूटना मुश्किल है, इसी लेवल का वेट कर रहे हैं पोजीशंस बनाने के लिए। 8480 के आसपास आए तो बाजार पे दोबारा से पोजीशंस बनाई जा सकती है, तेजी की पोजीशंस ज्यादा बाजार पे कैरी होती हुई नजर आएंगी। लेकिन काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच सर, सबसे पहले तो ये स्टॉक्स बताएं, ऑयल रिलेटेड स्टॉक्स जिस तरीके से एक्युमुलेट है, लार्ज कैप में ONGC और मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में HOEC, डॉल्फिन ऑफशोर, सिलान एक्सप्लोरेशन, इन पे आपके कमेंट्स। सबसे पहले हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं। ये जो स्टॉक है ये बहुत दिनों से कंसोलिडेट हो रहा है और ये जो रेंज है वो है करीबन 36 से लेके 41-50 के लेवल। अभी फिलहाल ये स्टॉक चल रहा है 41 के लेवल पे, 40 रुपीज 90 पैसे के करीब ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। तो मैं ये मानता हूँ कि जिनके पास पोजिशन है वो होल्ड करें। 42 एक ऐसा लेवल होगा जिसको मैं वॉच करूंगा। 42 के ऊपर अगर ये स्टॉक वापस हमें मिलता है क्लोजिंग बेसिस पर तो यहाँ पे ऐड करने की सलाह होगी, तो जिनके पास ये स्टॉक है वो होल्ड करें। दूसरा ONGC, अगर हम ONGC का चार्ट देखते हैं तो ONGC का चार्ट के ऊपर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था जो है करीबन 236.5 का, जिसको आज हम अभी हम देख रहे हैं कि वो ब्रीच हो रहा है यहाँ पे। अगर ये 237-238 के ऊपर ये स्टॉक टिका रहता है ONGC, तो मैं मानता हूँ कि 245 तक आज ही के दिन में टेस्ट होता हुआ नजर आएगा, और 245 के ऊपर दोनों ही शेयर्स जो है वो डबल डिजिट रिटर्न्स दे रहे हैं आज के सत्र में, ऑल टाइम हाई लेवल न्यूलैंड लैब्स का लगा और ब्रुक्स लेबोरेटरीज अभी अभी एक्टिव हुआ, अब 115 के लेवल पे पहुंच गया, आपके कमेंट्स। सबसे पहले ब्रुक्स लेबोरेटरीज, अगर हम इस स्टॉक के चार्ट को देखते हैं तो इसमें ये थोड़ा वोलेटाइल स्टॉक नजर आता है। जिस तरह से आज इसमें उछाल आया है तो मैं मानता हूं कि इस स्टॉक का लक्ष्य करीबन 124 का, यहाँ से आगे भी ये स्टॉक उछाल के जा सकता है। दूसरा स्टॉक आपने जो कहा वो कहा न्यूलैंड लेबोरेटरीज। न्यूलैंड लेबोरेटरीज की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह से ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों से परफॉर्म कर रहा है, करीबन 500 रुपए से लेके अभी 1000 और लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इस तरह से रैली आने के बाद और आज ये जो ट्रेड हुआ है, पिछले हफ्ते में 2 दिन पहले इसने 921 का लाइफ टाइम हाई को तोड़ के ये स्टॉक ऊपर की तरफ निकला है, तो मैं मानता हूं कि ये जो रैली है ये और कंटिन्यू रहेगी, लेकिन एक करेक्शन आएगा जो वापस करीबन 950 के लेवल को टेस्ट करते हुए नजर आएगा। तो मैं मानता हूं कि जिनके पास होल्ड पोजीशन है वो होल्ड करें, 940 का स्टॉप लॉस लगाएं और यहां पे भी खरीदारी करने की मेरी सलाह होगी। जैकॉप वीकली चार्ट्स पे अब इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर आ रहा है सर ये स्टॉक, आपकी राय क्या है जैकॉप पे, क्या ये तेजी अभी और बढ़ती देखते हैं क्योंकि अभी पहुंच गया ये 82 के लेवल के पार, यानी कि 6.5% के रिटर्न इंट्राडे बेसिस पे, क्या करना चाहिए स्टॉक पे? वीकली चार्ट अगर हम एनालाइज करते हैं रजत जी, तो 82 का लेवल आपने जैसे सही फरमाया कि एक अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल था, तो हमें ये के ऊपर वीकली क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 82 तो यह जो रैली आएगा वो करीबन 96 के लेवल तक जाने की संभावना है।